यूपी के मैनपुर जिले से रिश्ते को कलंकित करने वाली ये घटना सामने आई है। यहाँ पहले ताऊ के लड़के ने लड़की से दुष्कर्म किया। जब लड़की की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई तो पंचायत में फैसला हुआ कि आरोपी युवक गर्भवती हुई लड़की से शादी करेगा। आरोपी युवक की मां लड़की को अपने बेटे से शादी कराने के लिए अपने घर ले गई, जहां आरोप है कि गर्भवती लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से सैफाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पंचायत के बाद 6 अक्टूबर को आरोपी युवक की मां अपने आरोपी बेटे से शादी कराने की बात कहकर लड़की को अपने घर ले गई थी, जहां देर रात में आरोपी उसके घर वालों ने लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश कर डाली। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पीड़िता का सैफाई मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। कुरावली थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा आज थाने पर तहरीर दिया गया कि उसके जेठानी के लड़के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया गया और उसके पश्चात उसको जलाने की कोशिश की गई। उनके द्वारा 6 तारीख को घटित इस घटना की सूचना आज थाने पर दिया गया। पहले उसका इलाज जिला अस्पताल में हुआ और वहाँ से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके ताऊ के लड़के, उसकी बहन और उसकी ताई द्वारा मिल करके उसको जलाने की कोशिश की गई और साथ ही उसे जबरदस्ती संबंध बनाए में आए गए। इस संबंध में पीड़िता के मां की तहरीर के आधार पे 307, 376, 500 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही आरोपी ने उसकी ताई को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।